नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार समाचार और मैं हूँ विनय शर्मा। जी हाँ, पिछले 2-3 दिन से लगातार हमें एक परिवार जो पीड़ित परिवार है वो हमें बार बार फ़ोन पे जो है अपनी जो व्यथा है, दुख है, वो हमें बताना चाहता था ताकि जो है इनकी जो समस्या है वो जिला प्रशासन तक और पुलिस प्रशासन तक पहुँचे। आखिर क्या ये समस्या थी, क्या ये कहना चाहते थे, वही आज जानने के लिए हम जो टीम सही जो है इनके निवास स्थान पर है। कहानी जी क्या है जी हम इनसे जानेंगे, परंतु हम आपको बता दें, हम आपको स्थान नहीं बताएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनके नाम नहीं बताएंगे। जी हम आपको पहले बता देते हैं। जी हाँ, पहले सबसे पहले तो मिकी ये सुनाओ, तो सबसे बार बार फोन करा दिया और की फोन करा दिया यहाँ असें इंसाफ चाहिए। हाँ, कुड़ी सारी भी आ रही है, कोई दरवाजा खड़का आंदा रहा, भाई आ रहा कोई, तो उन्हें आखिर मेरी जनानी बीमार है, तो असें सेवे आस्तै जनानी चाहिदी है। तो कुड़ी बाहर गई, असें भी यार गरीब लोग, मैं चलो काम कर लेंगी, मैं काम करने आस्तै मैं काम भी करागा तो पैसे देगा तुम्हें। हाँ ठीक है, कुड़ी गई बाहर काम करने छे सत्त महीने हो गए, छे सत्त महीने हाँ 2 साल हो गए अध्यापक गलबात करते होंगे। अच्छा, हूँ 6 महीने का उन्होंने जनानी मरी दी है, ते हून आखा मैं ब्याह तेरे कन्नै कर लैं। अच्छा मिकी चीज सनाओ, उत्थों तेरे मिले कियां? इयां आया बाहर आला कोई, भाई दरवाजा खड़काया तुसें, हां ते आख लगे तुस दरवाजा खोलो, गेट खोलो। मैं भी आई गेटे रख, मैं तुस कौन आ, तुस दरवाजा ते गेट खोलो, गेट खोलया मैं। आख लगा मेरी बीबी बीमार है ते मैं कुड़ी चाहिदी है काम करने वास्ते। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, अस भी गरीब लोग आ, निक्के निक्के बच्चे न, जब भेजू ने काम कुम करागे ते कन्नै असें नौकरी उत्तरी दवा उड़गे। मैं ठीक है। इंद्रमोहन राजपूत, इंद्रमोहन। अच्छा राजपूत, इंद्रमोहन होना। तेरा भी कोई नहीं है कमाने वाला, तो तू काम भी करती रहे, कने मेरा भी खर्चा चलता रहो, तू काम करती रहे, मिगी पैसे दिंदी रहे, तो जेल्लै मेरे को लो मैं तुकी दिंदे रहूंगा। तो अस आपू मांग संदूर पाया है, अस मैं तू अजकल तेरा मर्द है, तू मेरी जनानी है, पर मेरे माँ प्यो की, मेरे भ्रा बच्चे की पता नहीं चलना चाहिए कि असें ब्याह किया, ना तेरी मम्मी की पता चलना चाहिए, ना तेरे भ्रा की, नहीं तो मैं बड्डू नहीं कुसे पता चलिया। मेरी बड़ी पहुँच है, तो मैं चलती रही नाले कन्नै चलने काम करना, मेरे के आखना 1000 रुपया दे, 2000 रुपया दे, होटल जाना, होटल खर्चे दे, खर्चे मेरे को लैंदा रहा, मैं यूज करता रहा, तो मैं काम करती रही। फिर मिगी हून तक मिलता रहा, 2 महीने हो गए इन्हें ब्लैक लिस्ट पर मेरा फोन नंबर चाढ़िया, मैं पता किया कि की चाढ़िया, कोई बोले नहीं ना कुछ। फिर मैं कुसै गड्डी च गई ब्याह करी दा कोर्ट च, मेरे उस बेल्ले वूमेन सेल गई राती बरखे बिच, मेरी मम्मी ने मिगी मारिया नहीं जाना, ये गल इत्थे मकाउड़, कोई मेरे भ्रा ने, मेरे 2 भ्रा ने, उन्हें दोनों मिगी मारिया, आखा दे गल मकाउड़। फिर मेरी दवा लैती, में पेदी कोई किश नहीं मिलिया, चुगे दवा ही पेदी, में उ'ऐ खाद्धी। फिर मेरी मम्मी ने आखेआ चाहिदी तू, फिर इन्हें पानी पूनी गर्म गुर्म दित्ता मिगी, फिर मैं घड़ी लेता। फिर मम्मी आखली केह् प्रूफ है कि तेरे कन्नै ब्याह कीता? फिर मैं घड़ी गई, फिर हून सरदारे घर गई, जिस सरदार ने कन्नै बंदा इन्हें अपने कन्नै रखे दा इत्थै म्हल्ले दा बंदा हा, ओह् आखा तेरे कोल केह् प्रूफ है मैं तो एह्दे कन्नै ब्याह कीता जां तू? उ'ऐ बंदा मिगी मलांदा हा नाड़े कन्नै, उन्नै बंदा इत्थै आंदे दा, मतलब इंदे कन्नै ओह् सरदार हा रैंबल दा। अच्छा, रैंबल दा सरदार हा, भोला नांऽ हा, भोला नांऽ नुहाड़ा। ते ओह् केह् आखा लगे कि तुस मेरी लाड़ी, हून तू लाड़ी बनी मेरी? हां, तुसें मन्नी ओड़ेआ अपना मराज? में मन्नेआ जेल्लै उन्नै मिगी आखेआ मैं तुगी खर्चा देगा, तू बार बार होगी, इ'यां बी तू ब्याह करना गै, जो मेरे कन्नै करी लै, में मन्नी ओड़ेआ। इक 2 बारी मिगी छेड़ेआ ना मां प्यो ने, मिगी ओह् कीता, आखेआ तू माफी देई ओड़, गल बाहर नहीं जान देना, प्यो साढ़े घर आया हा, आखना बाहर नहीं जान दे, निक्के निक्के बच्चे ने। फिर मैं छड्डू ओड़ेआ इसी, फिर मैं कम्म कर, हून 2 साल लगातार फिर मिगी कम्म दवांदा रेहा, हून 6 महीने होई गए ना लाड़ी मरे दे, 7-8 महीना लग्गेआ, ते 6 अप्रैल गी इन्हें मेरे कन्नै यूज करना शुरू कीता मिगी, 6 अप्रैल गी। हाँ, ते 6 महीने च इन्हें मिगी ब्लैक लिस्ट, मेरा फोन नंबर चाढ़ी ओड़ेआ, कुसै होर कन्नै ब्याह करी ओड़ेआ कोर्ट च जाइयै। ते मिगी आखा तेरे कोल केह् प्रूफ है? मैं उस कुड़ी कोल प्रूफ है, मैं ओह्दे कन्नै कोर्ट च ब्याह कीता, ओह्दे कोल मेरे कोल पैसे लेइयै नुहाड़े कन्नै कोर्ट च ब्याह करदा रेहा, मेरे कोल केह् प्रूफ है? मेरे कोल कोई प्रूफ नहीं, मेरे कोल एह् भी नहीं है कि मैं थाने पर्चा दित्ते दा। मिगी आखा तेरे कोल एह् भी प्रूफ नहीं है, तू थाने पर्चा दित्ते ब्याह कीते दा, मैं तां नहीं। फ्ही आखा मैं ना एह्दे कन्नै रेह दा ब्याह करना, एह् हून बुड्ढी होई दी, मैं निक्की निक्की कुड़ी आनी। अच्छा मिगी एह् सनाओ, ओह् बंदे कौन है? मिगी उं'दा नांऽ नहीं चाहिदा, मिगी ओह् बंदे सनाओ कुद्धर कुद्धर दे बंदे, खाल्ली एह् सनाओ बस। दो बंदे ते पुलिस आह्ले गै हे। दो पुलिस आह्ले न? इत्थे रखदा सवेरे आंदा। कौन लिंदा उठा तुसें? इंद्रमोहन। इंद्रमोहन केह्ड़े केह्ड़े लिंदा तुसें, किस चीज कन्नै लिंदा? अपनी गड्डी है ना, पर्सनल गड्डी। अपनी गड्डी है, रेड कलर दी गड्डी है ना, अच्छा लाल रंग दी कार है ना। ठीक, लेंदा भी हून इन्हें ब्याह करी ओड़दा होना, जो मिगी नहीं पता केह् कीते दा। हून मालक गी आखदा होटल आह्ले तुम्मी इसी नुहाड़े कन्नै करी लै, में नहीं करन दित्ता, में आखेआ में नहीं करना, में नुहाड़े कन्नै ब्याह कीता। कोह्दा होटल हा एह? इत्थें झज्जर कोटली होटल है। झज्जर कोटली दमेल? हां ठीक। होटल दा मालक हा? होटल दा मालक हा।
राती वो सारी रात दरवाजा खड़कांदा रहा, इन्हें दरवाजा नहीं खोलिया। मैं इसे आख्या मैं ब्याह कीता तू दरवाजा खोलिया, मैं इसे बोलिया पुलिस भी फोन कर रहा इन्होंने सद्दू ने फिर डरी है फिर राती इन्हें दरवाजा नहीं खोलिया। अच्छा अच्छा तुम दिन घटना किन्ने चलो गिरे भला कुछ हूँ दोबारा सुना गया मेरे बच्चे खाइए मरी आ मैं छे महीने नी हुई लाड़ी मरे कुछ आखना केह पता आपू मारी मोए ने लाड़ी लोग आखना आपू मारी मैं इस गल मैं जंदी भी नहीं है मैं सोचे ना बच्चे बड़े बड़े ने आपू ना बच्चे आपू सुनागी अपनी मम्मी ही भेजगी बच्चे कहने अगर बच्चे चाह तो मैं जागी ना घर बच्चे नहीं चाह नहीं जागी बच्चे ना बड़े बड़े हैं। क्या तुसे एदी रिपोर्ट जड़ी है पुलिस स्टेशन करवाई? हाँ मैं करवाई ना शनिवार 14 तरीक ना रिपोर्ट कराई ही। इस 14 तरीक की कुद्धर करवाई? वूमेन साल केड़ा उधमपुर। क्या आख्या हुन उत्थे गए मैडम ने आख्या मेरा भरा जेदे कन्ने गलत रिलेशन रखो क्या मैं सारे घरे लेना अपने भरा आख लगा। अच्छा तू है गंदी है उ रखनी है मैं आख मैं गंदी है मेरे कन्ने की रोंदा है मैं की धोखा की दिंदा हाँ आख लगा मैंने भरा आख लगा जे मर्जी कर ले तू जे मर्जी कर जिथे मर्जी जा हाई कोर्ट जा जिथे मर्जी जा अस तुकी अपनी भरजाई नहीं मनना है तुम्हें अपनी भरजाई नहीं मनना है नहीं मनना जे थाने अंदर जेले पैसे दे तो सुधर गई हां पुलिस वाले पकड़ाए हां उत्थे आई मेरे सामने बोटे थल्ले डेस्क दे थल्ले पैसे पड़काए चोरी है कने सिगरेट पड़काए कने पैसे पड़काए। अच्छा अच्छा उस पुलिस वाले ने क्या कहा ना पैसे ले उसने कुछ कहा था उसने उन्हें आख्या सुलह करो हैं ते इन्हें आख्या है मैं इसी बारो बार रखना है इन्हें रखना जियां पहले दिन आने कने रोंदा मिलता रोंदा उ मिलता रहूगा मैं आख्या मेरे कने के करना मिली है मैं इन्नी उम्र हुई मैं 30-32 साल की हो लगी मैं बुढ़ी हुई मैं कुछ जाना ते तू मैं मेरे कने इंसाफ कर तू मैं संदूर पा रहा मिगी हक दे। आप पे एक लड़की द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि शादी करने के और नौकरी लगवाने के, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं और तो लड़की को किसी को जानता नहीं हूँ सर। सर एक लड़की थी मैं साहब के बच्चों को छोड़ने जाता था स्कूल, वो साहब के घर में करती थी बर्तन वगैरह साफ करती थी वो। तो एक दिन ऐसा हुआ सर मैं बच्चे को छोड़ने गया वापस, जब मैं साहब की गाड़ी लेके वापस आया तो उसने सर ऐसा बोला कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है तो मुझे 50,000 की ज़रूरत है, आप मुझे जहाँ से मर्जी करके दे दो, जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल से आ जाएगी 1-2 दिन में आपको मैं वापस कर दूँगी। तो सर उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए सर। ये कब की बात है ये बताएंगे आप हमें? सर ये पिछली दिवाली से ये पहले की बात है सर, पिछली दिवाली के एक महीना पहले की बात है सर। जब मैंने सर मेरी मिसेज बीमार हो गई सर उसके बाद तो मैंने उसको बोला यार मेरे को पैसे की जरूरत है तू मेरे ऐसे सर मेरे पैसे वापस कर दे, मेरी मिसेज बीमार थी सर। उसने बोला 1 महीने के बाद कर दूँगी, उसने सर बिल्कुल नहीं किए। फिर सर अभी कोई 1 महीना हुआ सर उसने मैंने मेरे को जिप बोर्ड में मिली सर वो लड़की, मैंने उसको बोला मेरे पैसे वापस कर दो मुझे जरूरत अभी पैसे की। तो उसने सर बोला मैं 2-3 दिन के बाद कर दूंगी। उसके बाद सर वो लड़की चली गई वूमेन सेल, उनने मेरे को बुलाया, मैंने उधर भी सर ऐसा ही बोला है जो मेरे साथ हुआ सर मैं सच बोल रहा हूँ कोई इसमें झूठी बात ही नहीं सर। तो आखिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं यहाँ पे? क्या पता सर जो उनको पूछो सर, मैंने उससे 50,000 रुपया लेना है बस 50,000 रुपया लेना है पैसे का लेन देन पैसे का लेन देन सर। जब मैंने वो मांगे तो उसने मेरे को ब्लैक करना शुरू कर दिया, वो उधर चली गई उस साल में चली गई और उसके साथ मेरे कोई रिलेशन नहीं सर। सर उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपने उनकी मांग में संदूर भरा है और कहा गया सर कहाँ भरा सर मैंने उसकी मांग में संदूर मेरे को दिखा दो सर जहाँ भरा।